नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आप सभी का स्वागत है राहुल टेक में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप WhatsApp पे शेड्यूल मैसेज भेज सकते हैं। शेड्यूल मैसेज होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी को 5 बजे मैसेज करना है और आपको उसे 5 बजे मैसेज करना ही है। कई बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है कि हम याद ही नहीं रहता, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों कि वो मैसेज ऑटोमेटिकली ही चला जाए WhatsApp पे। या कई बार क्या होता है, हमें किसी को ऑटोमेटिकली सेंड करना है तो कैसे भेजें, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको सब बताता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल बटन है, उसे तोड़िए, फोड़िए और फिर जोड़िए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे और सर्च करना है शेड्यूल और व्हाट्सएप। तो जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन आएगी शेड्यूलर और व्हाट्सएप, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। तो जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर बताते हैं आपको करना क्या है। तो ये दोस्तों जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों, कई बार क्या होता है हमें याद नहीं रहता, किसी को इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, कई बार ऑफिस के मैसेज होते हैं जो हमें भेजने ही होते हैं, और या फिर किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना है और रात को हम सो जाते हैं, तो हैप्पी बर्थडे विश हम आराम से कर सकते हैं। किसी को भी इसमें शेड्यूल लगा दो और कोई टेंशन ही नहीं, आराम से सो जाओ, तो उसको भी लगेगा हाँ यार इसको तो याद है मेरा बर्थडे। बट ऐसा नहीं है, ये क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली ही मैसेज भेज देता है आपकी जिसको भी आप भेजना चाहते हैं। तो ये इंस्टॉलिंग हो रही है दोस्तों, जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों डाउनलोड हो गई है, इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद ये कुछ परमिशंस मांगेगा हमसे, तो उसे हमें ओके करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये खुल गई है, यू नीड टू इनेबल एसेसिबिलिटी, तो इसको हमें इनेबल करना ही पड़ेगा। ओके, व्हाट्सएप शेड्यूलर, ओके। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जहां पे ये ऐड वाला बटन है वहां पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें व्हाट्सएप ग्रुप को मैसेज भेजना है या किसी कॉन्टैक्ट को, तो यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को। उसके बाद सेकंड है सेलेक्ट योर नंबर, जिसको भी आपको नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि 8 फरवरी का बर्थडे है तो हम यहां पे 8 कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टाइम चेंज कर देते हैं 12 बजे का। अभी रुकिए, ओके। तो ये 12 बजे ही अपने आप मैसेज भेज देगा, रुकिए 12 नहीं हुआ, मिनट। ओह ये तो मिनट्स हैं, ओके, और ये हो गया 12। तो देखिए 12 बज गए हैं देखिए। उसके बाद आता है सेलेक्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपको कितनी बार भेजना है वो मैसेज सेम टू सेम, वंस फ्रीक्वेंसी कितनी बार ही भेजना है, तो उसको वंस कर दीजिए दोस्तों, ईयरली नहीं सॉरी वंस। इसके बाद आपको मैसेज टाइप कर दीजिए यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली इसे क्रिएट कर देना है, और जैसे ही उसका रात को 12 बजे हैप्पी बर्थडे होगा, जैसे ही 12 बजेंगे ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड कर देगा। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं सेलेक्ट रिसेंट, तो यहाँ पे आपको एक नंबर ऐड करना है, मैं आपको नंबर ऐड करके नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, आपको वो खुद करना है, बहुत आसान सी चीज़ है। उसके बाद करना है क्रिएट पे, और उसके बाद आपको इसे छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है और आपका नेट ऑन होना चाहिए और ये मैसेज अपने आप ही भेज देगा दोस्तों, जिसको भी आपको भेजना है, किसी को बर्थडे विश करना है, किसी को एनिवर्सरी विश करनी है या किसी को इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना है कभी भी। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आशा करता हूं आपको ये एप्लीकेशन पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।